मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था साहसी बालक। राजन नाम का एक साहसी बालक था, उसने कुएं में गिरे हुए बच्चों की जान बचाई थी, तो उसे वीरता का पुरस्कार दिया गया था। अब हम इसके शब्द अर्थ लिखना शुरू कर रहे हैं, तो आप सब अपनी हिंदी की CW कॉपी निकाल लीजिए और आज की डेट डालिए 11/11/20 और यहाँ पर हेडिंग डालिए पाठ 7। साहसी बालक। अब एक साइड डालिए शब्द और एक साइड डालिए अर्थ और बीच में लाइन ड्रा कर लीजिए और लिखिए अचानक। अचानक मतलब क्या होता है? एकदम। वन लाइन लीव करके लिखिए भीड़। भीड़ मतलब क्या होता है? इन लोगों का झुंड। पुरस्कार इनाम संस्था मंडली। अफसोस दुख अक्स उपहार भेंट। अब इसमें देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर बुक में निकाल लीजिए। राजन को कैसे पता चला कि कुछ बच्चे कुएं में गिर गए हैं? राजन जब पढ़ाई कर रहा था तो उसको एकदम से छपाक की आवाज़ आई थी, तो उसको लगा कि किसी के घर में की दीवार गिर गई, लेकिन उसने देखा कि कुएं में बच्चे कुएँ की मुंडेर गिर गई और बच्चे गिर गए। राजन ने बच्चों को कैसे बचाया? तो राजन कुएँ के अंदर पहुँच कर देखा कि बच्चे पानी में डूब रहे हैं, पानी गहरा था, लेकिन जो उसके बीच के चबूतरे की जो लकड़ी थी ना, वो भी पटरी का गिर गया, टूट के कुएँ में गिर गया था। तो बच्चों ने पटिए का सहारा लिया और बच्चे उस पर चढ़ते गए और राजन ने बच्चों को बचा लिया। राजन को किस बात का अफसोस था? राजन को 3 लड़कियों को डूबने से ना बचा पाने का अफसोस था। 26 जनवरी की परेड में राजन किस पर बैठा? 26 जनवरी की परेड पर राजन जीप में बैठा। अब ये कॉपी में लिखिए सही उत्तर। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए सही उत्तर। क्या लिखिए? यह घटना किस महीने में घटी? तो उत्तर लिखिए मार्च। किस महीने में? जब मार्च में परीक्षा चलती है, उस टाइम में घटना घटी थी। फिर वन लाइन लीव करके खा लिखिए। राजन कितनी लड़कियों को डूबने से ना बचा सका? तो उत्तर लिखिए राजन के 3 लड़कियों को डूबने से नहीं बचा सका। फिर गा है राजन को पुरस्कार में कौन सी पुस्तक मिली? तो उत्तर लिखिए वीर सावरकर की। अब इसके बाद ये देखिए सही वाक्यों को पूरा कीजिए। लकड़ी लड़कियों चबूतरा पटरे वीर सावरकर। तो पेज नंबर 44 में बाग के कुएं का
चबूतरा गिर गया, चबूतरा 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 गिर गया था। डूबते हुए बच्चों को राजन उठाकर पटरे पर बिठाता रहा। राजन तीन लड़कियों को डूबने से नहीं बचा सका। राजन को स्कूल से वीर सावरकर की पुस्तक मिली, पुरस्कार में मिली। राजन अपने घर की छत पर सो रहा था। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। राजन अपने घर की छत पर सो रहा था, गलत क्या कर रहा था, राजन पढ़ रहा था। कुएं का चबूतरा टूट गया, सही। कुएं में एक बच्चा डूब रहा था, गलत। राजन ने एक एक बच्चे को उठाकर तख्त पर रखा, सही। दो लड़कियां पानी में डूब गई, गलत। कितनी डूबी थी, तीन। राजन को कई पुरस्कार मिले, सही। आधा राव और ता बन के केवल तर रत, रत बनता नर्तक। यहाँ पे लिखिए नर तक। पावर आधा पावर राम बन के क्या बनता प्र, तो ये लिखिए प्रमाण पत्र। ता और रावण के क्या बनता है ट्र, तो यहाँ लिखिए राष्ट्रपति। बर्तन प्रकाश राम शब्दों को उनके विलोम से मिलाइए, शब्दों को उनके विलोम से मिलाइए। तो दिन नीचे पास तैरना, विलोम शब्द क्या है, डूबना दूर, रात ऊपर। तो दिन का विलोम क्या होगा, रात, नीचे का ऊपर, पास का दूर, और डूबना का तैरना। जैसे जल्दी का धीरे, उतरना चढ़ना, बाहर अंदर, वीर कायर। अब कॉपी में लिखिए प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक क्या, राजन ने बच्चों को कुएं में से किस प्रकार बचाया, ये लिखिए प्रश्न एक। राजन ने बच्चों को कुएं से में से किस प्रकार बचाया। राजन ने कुएं में पहुंचकर पटरे का सहारा मिलने से बच्चों को डूबने से बचाया। राजन को कौन सी पुस्तक पुरस्कार में मिली, तो राजन को वीर सावरकर की पुस्तक पुरस्कार में मिली। तो आप ये प्रश्न उत्तरों को लर्न करिएगा और सही उत्तर, सही वाक्यों को पूरा करना, ये सब लर्न करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।